नमस्कार। हरियाणा की फटाफट सुबह की 25 खबरों में आपका स्वागत है। एक पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक रोजाना हम पहुंचा सके। और आप हमें किस जिले से देख पा रहे हैं, किस तहसील से, अपना और अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। हरियाणा के किसानों को उनकी फसल के इंश्योरेंस की बीमा पॉलिसी दी जाएगी, इसका शुभारंभ हरियाणा में कृषि मंत्री जेपी दलाल और विभाग की अतिरिक्त सचिव की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया गया। इस अभियान का नाम मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, सरकार ये ड्राइव चलाकर प्रदेश के 7.5 लाख किसानों को बीमा पॉलिसी सौंपेगी। पॉलिसी 2021-22 रबी फसलों की होगी। सरकार ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ड्राइव चलाकर किसानों को बीमा पॉलिसी देने के लिए योजना तैयार की है। इसके तहत बीमा कंपनियों को कृषि विभाग द्वारा गाँव में जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्राओं में वतन वापसी न हो पाने को लेकर गुस्सा पनप गया है। रोहतक के मोहित ने राजधानी कीव में अपने हॉस्टल के बाहर एक इमारत पर बम वर्षा के बाद हॉस्टल में छात्राओं के साथ हाल की एक वीडियो भेजी है। छात्र कहते हुए दिख रहे हैं कि यहां से निकला उन्हें निकला लें क्योंकि यहाँ पर कभी किसी वक्त जान जा सकती है। एम्बेसी उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही। वीडियो में कुछ छात्र सभी छात्रों को समझाते हुए भी दिख रहे हैं, उन्हें क्या करना है ये भी सुझाव दिए जा रहे हैं। रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर कुलाना चौक सड़क हादसे में हरियाणा पुलिस के एसपीओ की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब ड्यूटी से घर लौट रहे थे। माछरोली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शनिवार को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। हालांकि मिशन हॉस्पिटल में एक युवक ने दूसरे युवक को गोलियों से भून दिया। गोलियां लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घायल युवक की पहचान अमन के तौर पर हुई है, जबकि गोलियां चलाने वाले युवक की पहचान बंटी के रूप में हुई है। डिटेक्टिव स्टाफ पंचकुला ने 7 बीमा पॉलिसी के नाम पर 2 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रवीण जेम्स और प्रवीण के तौर पर हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई है। पुलिस ने किरमोनी केपी आहूजा प्रवीण चौबे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हरियाणा के पलवल में बैंसलात के बड़े गांव बड़ोली स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से भाई के साथ बाइक पर घर लौट रही 3 छात्राओं को कार सवार युवकों ने टक्कर मार दी। छात्रों ने युवकों को अश्लील इशारे करने, अश्लील फफ्तियां कसने और वीडियो बनाने से रोका था। हादसे में 3 छात्राएं और उनका भाई घायल हो गए। रिवाड़ी में होटल में ठहरे युवक ने सुसाइड कर लिया, उसका शव कमरे में ही एक फंदे पर झूलता हुआ मिला। मृतक युवक 3 दिन से लापता था, उसका पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सिटी पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की है। हरियाणा के जींद के जुलाना के निक पेट्रोल पंप से कार पर सवार 2 युवकों ने 44,000 रुपए का डीजल पेट्रोल डलवाकर फरार हो गए। पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जुलाना थाना पुलिस ने सेल्समैन की शिकायत पर 2 युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हरियाणा में 25 फरवरी को कोरोना के 399 केस आए हैं। ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं आया है। प्रदेश के जींद, कैथल, पानीपत ऐसे जिले हैं जिसमें कोरोना का एक एक केस मिला है। शुक्रवार को कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें गुरुग्राम में 2, अंबाला में 1 और पानीपत में 1 की जान गई है। कोरोना के कम होते केस के चलते प्रदेश के 7 जिलों में हॉस्पिटल में अब कोई मरीज दाखिल नहीं है। हरियाणा के पलवल में थाना शहर के अथीन गेट चौकी पर तैनात हवलदार रंजीत की मौत चौकी में ड्यूटी के दौरान हो गई थी, जिसके विरोध में परिजनों ने जाम लगा दिया था। लेकिन पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद शनिवार को मृतक के पुत्र की शिकायत पर 174 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। करनाल जिला सचिवालय पर भारतीय किसान यूनियन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि पेट्रोल के 15 साल पुराने और डीजल के 10 साल पुराने वाहनों पर रोक लगाने के कानून को रद्द किया जाए। 10 साल में तो वाहन का लोन भी पूरा नहीं हो पाता। किसानों ने प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजकर कानून रद्द करने की मांग की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कैथल शहर में पहुंचे, जो विभिन्न सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। शहर में सबसे पहले 11 रुद्री शिव मंदिर में पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। विकासात्मक कार्यों को सौगात देते हुए विभिन्न कार्यों का उद्घाटन स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में किया। मुख्यमंत्री ने हाबड़ी में 11,10,50,000 रुपये से बने इंटरनेशनल साइंस सिंथेटिक हॉकी फील्ड ऑफ ग्लोबल कैटेगरी का भी उद्घाटन किया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन गांव में स्कूल ज्यादा दूरी पर है वहां सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए स्कूल ट्रांसपोर्ट विंग की स्थापना की जाए और स्कूल शिक्षक को ट्रांसपोर्ट का नोडल अधिकारी बनाया जाए। मुख्यमंत्री शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। व्यवसायी हरि प्रकाश मंगला व उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर बुधवार सुबह शुरू हुई आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार चौथे दिन भी जारी रही। विशेष तौर पर 6 ठिकानों पर रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। इसमें वो ठिकाने भी शामिल हैं जहां पर शुक्रवार को छापामार कार्रवाई शुरू की गई थी। इस दौरान आयकर विभाग के हाथ चिटफंड से संबंधित भी काफी रिकॉर्ड लगा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा पॉलिसी के वितरण के लिए मेरी पॉलिसी मेरे खात अभियान का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर कृषि व किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता भी साथ मौजूद रही। अंबाला शहर के मिशन हॉस्पिटल में शनिवार को गैंगस्टर बंटी कौशल ने अमन उर्फ गप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की नीयत से गप्पू को फोन करवाकर बुलाया गया था। उम्र कैद की सजा काट रहे बंटी ने गप्पू को 3 गोलियां मारी, उसके मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात की वजह से हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई, इस वजह से 2 स्टाफ नर्स भी बेहोश हो गई। 18वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी में प्रतिदिन अलग अलग नस्ल के पशुओं की प्रतियोगिताओं में पशुपालकों को प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिताओं में 2 से 4 दान अशव श्रेणी में दादरी जिले के गांव कारी रूपा के महंत के अशव ने प्रथम, गांव असावरी जिला चरखी दादरी निवासी प्रदुमन के अशव ने द्वितीय तथा बालसमंद जिला हिसार निवासी पवन के अशव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में पंजाब हरियाणा की स्थायी सदस्यता खत्म करने का विरोध किया है। उन्होंने इसे हरियाणा के अधिकारों पर कुठाराघात करार दिया। हुड्डा ने कहा कि भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड नियम 1974 के मुताबिक BBMB सदस्य पंजाब से और सदस्य हरियाणा से होते थे, लेकिन 2022 के संशोधित नियम में ये अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अफगानिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान पर चक्रवर्ती हवाओं का दबाव बनने से मौसम में बदलाव देखा जा गया था, लेकिन 2 दिन के भीतर पाकिस्तान के पास एक और पश्चिमी विक्षोभ बनने जा रहा है। उत्तर भारत के मौसम से ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, अभी की तरह बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 24 घंटों तक यह सिलसिला जारी रहेगा। मैदानी इलाकों की बात करें तो दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में बारिश हुई है और आगे भी आसार बने हैं। हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप भाभू, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने उन्हें दिल्ली स्थित ऑफिस में मुलाकात की, जहां उन्होंने केजरीवाल के कारण और पंजाब में होने वाले बदलाव से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थाम लिया। भाभू पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के भांजे भी हैं। आम आदमी पार्टी के हरियाणा सह प्रभारी राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने उन्हें पार्टी में शामिल कर उनका स्वागत किया। इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने शुक्रवार को ही भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को तुरंत मुआवजे दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, चरखी दादरी, फतेहाबाद, भिवानी जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से खेतों में ओलों की सफेद चादर बिछ गई, जिसके कारण किसानों की तैयार खड़ी गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई। नारनौल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की एडीप योजना और राष्ट्रीय योश्री योजना के तहत दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को जीवन को सरल बनाने के लिए सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सहायक उपकरण लेने के लिए 5 मार्च तक अपने नजदीकी CSC सेंटर में जिला रेडक्रॉस कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जा सकेगा। द सहकारिता चीनी मिल सोनीपत से जुड़े गन्ना उत्पादकों के लिए राहत व खुशी भरी खबर है। चीनी मिल प्रबंधन की तरफ से गन्ना उत्पादकों के 35,29,00,000 रुपये की गन्ना पेमेंट जारी की गई है। चीनी मिल में डाले गए गन्ने की उक्त राशि का प्रतिशत करीब 60% है। मिल प्रबंधन गन्ना उत्पादकों की बाकी बची नकदी जल्द जारी करने की बात कही गई है। खातों में नकदी आने से किसानों में खुशी का माहौल है। ग्रेटर फरीदाबाद के DPS स्कूल प्रबंधन की उपेक्षा और छात्रों के चढ़ाने से परेशान होकर 10वीं कक्षा के छात्र ने डिस्कवरी सोसाइटी सेक्टर 80 की 15वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे हुई, जिसके बाद सोसाइटी में कोहराम मच गया है। वहीं पर सोसाइटी के लिए प्रिंसिपल को जिम्मेवार ठहराया गया है।